हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं मोनिका मलिक आज आपको रस मलाई बनाना सिखाऊंगी। चलिए मेरी किचन में चलते हैं। रस मलाई बनाने के लिए हमने कॉर्नफ्लावर 1 स्पून, पिसी हुई शुगर 2 स्पून, मिक्सी में हमने इसको पीस लिया है, ये ठंडा मिल्क है, कोकोनट, वन बिग स्पून खोया, इलायची पाउडर, बादाम एसेंस, मिल्क मेड। स्पंज रसगुल्ले, ड्राई फ्रूट को हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, आप कोई भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट इसमें ले सकते हैं। ये हमने ब्रेड के स्लाइस कर लिए हैं राउंड। ये हमने कॉर्नर कट कर लिए हैं ब्रेड के, थोड़ी सी हल्दी यूज़ होगी इसमें। सबसे पहले हम एक कांच की ट्रे में ड्राई फ्रूट डालेंगे बारीक कटे हुए। खोया ऐड करेंगे, कोकोनट डालेंगे, शुगर 2 स्पून, टू स्पून मिल्क ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमने एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। इलायची पाउडर डालेंगे थोड़ा सा इसमें। और उसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है भरने के लिए। एक प्लेट लेंगे, इसमें हम ब्रेड के स्लाइस रखेंगे जिस पे हमने कॉर्नर कट कर लिया है। बेलन से इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। सेंटर में हम इसमें मिक्सचर डालेंगे। कॉर्नर पे हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, मिल्क हमें ठंडा ही लेना है। चारों कॉर्नर पे हमने इसमें मिल्क डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब इसको हैंड पे रखेंगे और इसको ऐसे राउंड शेप दे लेंगे, फिंगर की हेल्प से हम इसको शेप देंगे। इस टाइप से हमें इसको शेप देनी है। ये ब्रेड वाली रसमलाई बहुत टेस्टी बनती है। थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे अगर हमें लगता है कि थोड़ा ड्राई है।
दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और उसको दबाते हुए हमें इसको शेप दे देनी है। ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब हम एक और रेडी करेंगे। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम ये दूसरा भी रेडी कर लेंगे। कॉर्नर पे मिल्क डालेंगे, सेंटर में मिक्सचर रखेंगे, थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसको फिंगर पर रखकर पहले की तरह शेप दे लेंगे। अगर हमें लगता है कि थोड़ा ड्राई है तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और उसको राउंड राउंड घुमाएंगे दबाते हुए। ये देखिए इस शेप का हम इसको रेडी कर लेंगे। अब एक ट्रे लेंगे और उसमें हम इनको सेट करेंगे, दोनों को रखेंगे उसमें। सेकेंड मेथड है, ये हमने ब्रेड को राउंड कट कर लिया है। 4 ब्रेड को हमने राउंड कट कर लिया है। ये गिलास से हमने इसको राउंड कट कर लिया है। मार्केट में कटर भी आते हैं, उससे भी आप यूज़ करके इसको राउंड कट कर सकते हैं। सेंटर में फिलिंग रखेंगे, इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं डालनी है क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का है। कॉर्नर पे ठंडा मिल्क डालेंगे, और दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा मिल्क और ऐड करेंगे ऊपर से। मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है। कॉर्नर से दबाना है। ये फोक की हेल्प से हम इस टाइप से भी इसको दबाकर बंद कर लेंगे कॉर्नर। जैसे आपको इजी लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। इसको हैंड पे रखकर इस टाइप से भी हम इसको कॉर्नर से दबाकर इसको बंद कर लेंगे ताकि फिलिंग जो है हमारी इसमें से ना निकले। इस टाइप से हम इसकी शेप दे लेंगे। राउंड राउंड हमें घुमाना है। ये देखिए अब हम इसको इसमें सेट कर लेंगे। एक और हम बनाएंगे सेम इसी तरह से। कॉर्नर पे मिल्क लगाएंगे दोनों पीसेस में। सेंटर में हम इसमें फिलिंग डालेंगे। और दूसरे ब्रेड के पीस को इसके ऊपर हम सेट करेंगे। थोड़ा सा मिल्क और ऐड करेंगे ऊपर से। ये ब्रेड वाली रसमलाई बहुत टेस्टी बनती है। कॉर्नर से फिंगर की हेल्प से इसको बंद करेंगे और इसको गोल गोल घुमाते हुए ये देखिए इस टाइप से हम इसकी शेप दे लेंगे। ये हमारा रेडी हो गया है। थर्ड मेथड बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिर्फ हम मिल्क ऐड करेंगे
और इसको ऐसे ही सेट कर लेंगे। इसमें हमने कोई फिलिंग नहीं डाली है। ये देखिए हमारे ये सारे रसमलाई रेडी हो चुकी है ब्रेड की। अब हम इसको, अगर हमें लगता है थोड़ा सा ड्राई है तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं ऊपर से। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तब तक हम ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। ये हमने एक कढ़ाई में फुल फैट का दूध डाल लिया है 3 पैकेट। गैस को फुल रखेंगे और हिलाते रहेंगे। जैसे ही दूध गर्म हो जाए इसमें हम मिल्क में डाल देंगे। 4 सर्विंग स्पून हमने इसमें मिल्क में डाल दिया है। और इसको मिक्स कर लेंगे। ये कॉर्नफ्लावर है 1 स्पून। ये ठंडा मिल्क है। ठंडे मिल्क को हम कॉर्नफ्लावर में ऐड करेंगे और उसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। इसको पूरा मिक्स कर लेना है और इसको हम थोड़ी देर साइड में रख देंगे। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने कट करके रखे थे। आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे येलो कलर देने के लिए। आप चाहे तो इसमें केसर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हल्दी ही यूज़ करती हूँ। ये इलायची पाउडर इसमें हम थोड़ा डालेंगे 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। हमें इसे हिलाते रहना है ताकि इसमें मलाई ना आए। ये छोटी छोटी टिप्स जो बता रही हूँ वो ध्यान में रखना। जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने बनाया था वो हम छन्नी में छान कर इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। शुगर को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। ग्रेवी हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। अब हम इसमें बादाम एसेंस डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स। टू मिनट इसको और पकाना है। ये थोड़ी सी थिक होनी शुरू हो गई है। अगर हमें लगे कि थोड़ा सा इसको कलर और देना है येलो, तो हम इसमें थोड़ा सा हल्दी या केसर डाल सकते हैं और इसको मिक्स कर लेना है। ये हमारी ग्रेवी बनकर रेडी हो गई है। इसको हिलाते रहना है ताकि इस पर मलाई ना आए। गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी है ग्रेवी। इसे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसको नहीं करना। गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें मीठा चेक करेंगे। गैस ऑफ करने के बाद भी थोड़ा सा हमें हिलाते रहना है ताकि इस पर मलाई ना आए।
ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये हमने फ्रिज में रखे थे, बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब हम इस पे जो हमने ग्रेवी रेडी की है वो डालेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी और डालेंगे ताकि ये पूरी तरह से कवर हो जाए, ब्रेड वाली जो रसमलाई है वो कवर हो जानी चाहिए ग्रेवी से। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर डेकोरेट करेंगे। जो हमने बादाम पीस के रखे थे वो हम इसमें ऊपर डेकोरेट कर लेंगे। जो थोड़े बड़े साइज़ के बादाम कट किए थे वो रसमलाई के ऊपर हम सेट कर लेंगे। इस टाइप से हम सारे ड्राई फ्रूट को लगा देंगे। जो हमने बारीक ज़्यादा बारीक कट किए हैं उसको साइड में डालेंगे और उसको ऊपर से पूरा डेकोरेट कर लेंगे। अगर लगे कि ग्रेवी कम है तो थोड़ी सी ग्रेवी और ऐड करेंगे। ये हमारी रेडी हो चुकी है ब्रेड की रसमलाई। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखेंगे और ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है और सबकी फेवरेट है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। नेक्स्ट रसगुल्ले से रसमलाई, इसका हम दबाकर ये रस पूरा निकाल लेंगे और इसको एक कांच की ट्रे में लगा देंगे। हमने ये सारे रसगुल्ले का रस निकाल लिया और एक कांच की ट्रे में हमने लगा लिया है। ड्राई फ्रूट को हमने बारीक कट कर लिया है। अब हम ग्रेवी को स्पंज रसगुल्ले के ऊपर डालेंगे और उसको पूरा कवर कर लेंगे ग्रेवी से। जो हमने बादाम कट करके रखे थे उससे हम डेकोरेट करेंगे इसको। वन वन बादाम रसमलाई पर लगा लेंगे। ये अखरोट भी बारीक कटे इसमें लगा लेंगे और जो ज़्यादा बारीक थे वो बीच बीच में हम डाल देंगे, गार्निश कर लेंगे इसको। इसको पूरा कवर कर लेना है। ये देखिए हमारी रेडी हो चुकी है रसमलाई। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए और ठंडा ठंडा ही हम सर्व करेंगे, क्योंकि ये रसमलाई जो होती है ठंडा ही टेस्टी लगती है और बच्चों की तो ये फेवरेट है, सबकी फेवरेट है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए। टू टाइप्स ऑफ रसमलाई बनाना सीखा है। ये हमने रसगुल्ले से रसमलाई बनाई है, ये हमने ब्रेड से रसमलाई बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी दोनों पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।